अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ माइंड क्रिएशन आपके साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आने वाली सर्दियों के लिए एक बेहतरीन मेन्यू हो सकता है और मेरी रेसिपी से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बनेगा। हड्डी गुड्डी का सालन बोन करी। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। रेसिपी कार्ड है ये, इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी मकदार में, ये सब लिखा हुआ है। हमें बोन्स की ज़रूरत होगी, ये आप अपने हिसाब से ज़रूरत हड्डी ले सकते हैं जितनी आपको चाहिए। प्याज चाहिए होंगी, हमें दो जगह प्याज चाहिए होंगी, चॉप्ड की भी ज़रूरत होगी और प्याज का पेस्ट भी चाहिए होगा करी बनाने के लिए। स्पाइसेस भी दो जगह चाहिए होंगे हमें, करी के लिए अलग और स्टॉक बनाने के लिए अलग। तो इसमें अदरक लहसुन, गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला भी सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे जिससे टेस्ट इन्हेंस हो। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। दही भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, ये हमारे सर्विंग इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी हमें लास्ट में ज़रूरत होगी। ये चलते हैं अब रेसिपी की जानिब। सबसे पहले हम सारी बोन्स को डिक्ची में शामिल कर लेंगे। सारी बोन्स डिक्ची में शामिल कर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी की मकदार आप अपने हद से ज़रूरत ले सकती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी ताकि अच्छे से गल जाए और अच्छे से स्टॉक बन जाए ये। और इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। इसमें प्याज ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, सारा गरम मसाला और स्पाइसेस भी ऐड कर लेंगे और इसमें पानी शामिल करके इसको धीमी आंच पर इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जितना ये पकेगा उतना अच्छा बोन स्टॉक रेडी होगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। ये हमारा बोन स्टॉक रेडी हो गया है। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है देखने से, गाढ़ा भी है और मज़ेदार भी। नेक्स्ट स्टेप कड़ी रेडी करने का। इसके लिए हम ऑयल ऐड करेंगे पैन में, इसके बाद पेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे पेस्ट को। अब इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि कच्ची प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अब इसके अंदर दही ऐड कर लेंगे हम। ये अच्छे से भुन गया है, दही ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो अब ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, ऑयल आने का वेट करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही हेल्दी डिश है और बहुत मज़ेदार भी। ये हमारा मसाला रेडी है, इसको हम अपने बोन स्टॉक में अब ऐड करेंगे। जो हमारा स्टॉक रेडी हुआ था अब उसको हम देखेंगे कि वो गर्म होना चाहिए और इसके अंदर हम सारा मसाला जो हमने रेडी किया था उसको ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएँगे ताकि ये बॉयल हो जाए एक दफ़ा और तमाम मसालों के साथ और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी और झटपट रेसिपीज मिलती रहें। हमारी बोन करी में ऑयल ऊपर आ गया है। अब ये हमारा हड्डी गुड्डी का सालन तैयार है। अब इसमें लास्ट के स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया और अदरक के साथ, और लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आगे आने वाली नई रेसिपीज़ के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।